हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत 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 आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की जलवायु और मौसम है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई अलग अलग जानवर भी हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो केवल दुनिया के कुछ ही हिस्सों में पाए जाते हैं, जबकि कुछ जगह ऐसी है जो कई मामलों में एक दूसरे से अलग और इंटरेस्टिंग है। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, वो भले ही छोटा देश हो, लेकिन इससे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो इसे सबसे अलग बनाती है। इस छोटे से देश में अमेरिका और चीन जैसे देशों के मिलिट्री कैंप्स हैं। एक ऐसा देश जो पूरा का पूरा देश रेगिस्तान से घिरा हुआ है और यहाँ सिर्फ 1% ही पेड़ है। यहाँ रात को टैक्सी किराया 50% तक महंगा हो जाता है, जबकि इस देश में क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जिबूती देश की, तो देर किस बात के, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं जिबूती की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि जिबूती का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ जिबूती। ये एक ऐसा देश है जिसके बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता। जिबूती ईस्ट अफ्रीका में बसा एक देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में इरिट्रिया से, पश्चिम और दक्षिण में इथियोपिया से और दक्षिण पूर्व में सोमालिया से मिलती है। देश की राजधानी जिबूती शहर है। जिबूती की जनसंख्या के 76% लोग इसी शहर में रहते हैं। जिबूती की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक और फ्रेंच है। इन दोनों भाषाओं के अलावा इस देश में अफार और सोमाली भाषाएं भी बोली जाती है। जिबूती एक युवा देश माना जाता है। इस देश में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस देश में रहने वाले लोगों में आधे से ज्यादा लोग 25 साल की उम्र से भी कम है। यही कारण है कि जब कभी मैन पावर की बात आती है तो जिबूती देश सबसे आगे रहता है। जिबूती स्वाजीलैंड और गाम्बिया के बाद तीसरा सबसे छोटा देश है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी राज्यों की तुलना में जिबूती लगभग न्यू जर्सी के आकार का है। दोस्तों, शायद ही इस बारे में ज्यादा लोगों को पता हो कि एक समय जिबूती को फ्रांसीसी सोमाली लैंड भी कहा जाता था। दरअसल जिबूती ने फ्रांस से 27 जून 1977 को स्वतंत्रता हासिल की थी। इस पर फ्रांस ने 1894 से 1977 तक शासन किया और उस समय इसे फ्रांसीसी सोमाली लैंड के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा 1977 में पूरी तरह से स्वतंत्र रिपब्लिक ऑफ जिबूती बनने से पहले 1967 में जिबूती का नाम बदलकर फ्रांसीसी टेरिटरी ऑफ द अफोर्स एंड इस्सास कर दिया गया। जिबूती की आबादी मुख्य रूप से मुस्लिम है। देश की आबादी के लगभग 94% जनसंख्या इस्लाम को मानने वाली है, जबकि बाकी यहाँ के 6% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। मुस्लिम संख्या ज्यादा होने की वजह से जिबूती में इस धर्म के हिसाब से ही कपड़े पहनने की अनुमति होती है। रमजान के महीने के दौरान तो यहाँ की सरकार भी काफी सख्त रहती है। जिबूती में आमतौर पर 3 जाति समूह रहते हैं। सोमाली, अफार और अरब यहाँ एक साथ रहे हैं, जो कि 12वीं शताब्दी की है। जिबूती की इकॉनमी सर्विस के बाद सबसे ज्यादा टूरिज्म पर निर्भर है। यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते हैं। बाहर देशों से आए लोगों का यहाँ इस तरह के वेलकम किया जाता है जैसे ये लोग यहाँ के अपने हो। तब तक आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको परिवार के उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा और इस देश के घरों में बैठकर खाना खाने का मौका भी। जिबूती की गिनती उन देशों में की जाती है जहां पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं। यहां की महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, यहां की संसद में भी सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की ही है। जिबूती देश में महिलाओं के लिए कई तरह के कानून भी बनाए गए हैं। दोस्तों, जिबूती अफ्रीका में स्थित सुरक्षित देशों में से एक है। यहां आमतौर पर कोई बड़ा क्राइम नहीं होता है। हालांकि छोटे मोटे अपराध होना जिबूती में भी आम बात है। इस देश से जुड़ा एक दिलचस्प बात ये भी है कि जिबूती में फ्रांस, अमेरिका और चीन के साथ कई देशों के मिलिट्री बेस भी हैं। कुछ ही समय पहले चीन ने जिबूती में बने अपने बेस कैंप में सेना के जवानों को भेजा था, जबकि अमेरिकी सेना के तो करीब 4000 जवान वहाँ बेस कैंप में रहते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर जिबूती में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को सेना के लिए बेस कैंप बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? चलिए इसके पीछे का कारण आपको बताते हैं। दरअसल जिबूती को दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड रूट में से एक माना जाता है। जिबूती में जिन देशों की सेना के बेस कैंप है, वहाँ की सेना क्षेत्र के अलग अलग देशों में मानवीय सहायता के लिए आने वाले जहाजों के रास्ते को सुरक्षित करने में मदद करती है और समुद्री डाकुओं से बचाती है। जिबूती के कई इलाके में सोमालियन डाकू और अल शबाब के आतंकवादियों का तनाव बना रहता है। यही कारण है कि जिबूती में अमेरिका और चीन अपने सैनिक तैनात करके रखता है। दोस्तों, इस देश में रात के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे जानने के बाद आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। दरअसल जिबूती में रात के बाद टैक्सी का किराया 50% तक बढ़ा दिया जाता है। इसका कारण ये भी है कि यहाँ रात के बाद लोगों को बेवकूफ बनाकर टैक्सी का ज्यादा किराया जाता है। हालांकि एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी किराए डिसाइड जरूर किए गए हैं, लेकिन उसे कोई नहीं मानता।
जिबूती देश की लगभग 90% जमीन रेगिस्तानी है और देश में कोई स्थायी नदियां भी नहीं है। और चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ के रेगिस्तान में सिर्फ नमक की झीलें हैं। इसमें ग्रैंड बारा रेगिस्तान आता है जो जिबूती के दक्षिणी भाग को घेरा हुआ है। ग्रैंड बारा रेगिस्तान इस देश के सबसे प्रसिद्ध रेगिस्तानों की सूची में शामिल है। ये रेगिस्तान कई बड़ी झीलों के सूखने के कारण बना है। अब जिस देश में सिर्फ रेगिस्तान ही हो तो वहाँ पेड़ों का न होना कोई हैरान करने वाली बात तो नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिबूती पृथ्वी के उन 16 देशों में से एक है जहाँ लगभग कोई पेड़ नहीं है। वर्ल्ड बैंक ओपन डेटा से मिली जानकारी के अनुसार 1% से भी कम जमीन पेड़ पौधे और जंगलों से घिरी है। दोस्तों, जिबूती देश में कोई व्यक्ति एक से ज्यादा शादियां तो कर सकता है लेकिन 4 से ज्यादा नहीं। यानी कि जिबूती देश में 4 से ज्यादा शादियां करना मना है। हालांकि एक ही समय में 2 पत्नियों से शादी करना जिबूती संस्कृति में हराम माना जाता है। इसके अलावा जिबूती विवाह परंपराओं में स्पिरिचुअल लीडर को शादी में बुलाना काफी शुभ माना जाता है। दोस्तों, जिबूती देश में शराब पीकर गाड़ी चलाना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। ऐसा करने पर इस देश में 2 साल की सजा भी दी जाती है। इसके साथ ही जिबूती के लोग अंधविश्वास को काफी ज्यादा मानते हैं, जैसे काली बिल्ली को देखना सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर 3 छिपकलियाँ एक साथ आपके नजदीक आ रही हैं, तो आपकी जल्द ही शादी होने वाली है। लेकिन अगर इन्हीं छिपकलियों की संख्या 4 हुई तो जिबूती में ऐसा माना जाता है कि आपकी मौत का संकेत है। जब एक मुस्लिम जिबूती व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पत्नी 4 महीने और 10 दिनों तक उसका शोक मनाती है। शोक मनाने वालों के स्वागत के लिए एक बड़ा तंबू लगाया जाता है जिसमें पड़ोसियों से लेकर मरने वाले व्यक्ति के करीबी शामिल होते हैं। स्पोर्ट्स के मामले में जिबूती ने ज्यादा नाम नहीं कमाया है, हालांकि इस देश ने ओलंपिक्स में मेडल जरूर जीता है। अगर यहाँ के सबसे पॉपुलर गेम फुटबॉल की बात करें तो 2017 में लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से इस देश की नेशनल फुटबॉल टीम को भंग कर दिया गया था। वर्ल्ड रैंकिंग में 185वें स्थान पर खड़े जिबूती ने कभी भी एक मेजर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि जिबूती के एक एथलीट ने ओलंपिक खेलों में मेडल अपने नाम जरूर किया है, जिसका नाम है हुसैन अहमद सलाह, जिन्होंने 1988 में मैराथन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कार्ट जिबूती का नेशनल प्लांट है, लेकिन कई बड़े बड़े देशों ने इसे अपने यहाँ बैन किया है। इन देशों का ऐसा मानना है कि कार्ट में ऐसी तत्व है जो बॉडी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही इस पौधे का इस्तेमाल नशीले पदार्थ बनाने के लिए भी किया जाता है। हालांकि 2013 में यूके की काउंसिलिंग ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि कार्ट में कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सके। एल्क को जिबूती का नेशनल एनिमल माना जाता है, जिसको हिरण की सबसे बड़ी और अनोखी प्रजाति माना जाता है। जिबूती देश के अलावा एल्क कई यूरोपियन देशों का भी नेशनल एनिमल है। एल्क के सर पर बड़े सींग होते हैं जो इनकी सबसे बड़ी खासियत है। हालांकि दिखने में हिरण की ये प्रजाति काफी खतरनाक होती है। जिबूती के बाद आज एल्क की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट एशिया के देशों में पाई जाती है। लॉ कैसल जिबूती की एक ऐसी जगह है जिसे यहाँ का सबसे लोएस्ट पॉइंट माना जाता है। सिर्फ जिबूती ही नहीं बल्कि लेक एसल पूरे अफ्रीका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। झील के एक हिस्से में बहुत खारा पानी है जो गर्म झरनों द्वारा इकट्ठा हुआ है। इसे अंटार्कटिका के डॉन जुआन तालाब के बाद दुनिया के सबसे नमकीन झील माना जाता है। ये झील समुद्र तट से 155 मीटर नीचे स्थित है। जिबूती देश दुनिया की सबसे ताकतवर और बड़ी मछली व्हेल शार्क की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। व्हेल शार्क को अक्सर यहाँ देखा जा सकता है। इन शार्क को देखने दुनिया भर से लोग खासतौर पर जिबूती आते हैं। नवंबर से फरवरी के महीने के बीच यहाँ सबसे ज्यादा व्हेल मछली आती है और इन्हीं 2 महीनों के बीच यहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी आते हैं। दोस्तों, दुनिया के लगभग सबसे ज्यादा देशों में क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन जिबूती में ऐसा नहीं है। ये देश 7 जनवरी को क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। देश में रहने वाले कुछ ईसाइयों द्वारा क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन इस्लाम को ज्यादा मानने वाले लोग होने के बावजूद जिबूती में क्रिसमस काफी धूमधाम से मनाया जाता है। जिबूती में क्रिसमस पर गाए जाने वाले गाने आमतौर पर अरबी, सोमाली और अफार जैसी अलग अलग भाषाओं के होते हैं। जिबूती की खूबसूरती का कोई भी जवाब नहीं है। इस देश में सड़क एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ रेड सी। बता दें कि जिबूती एक कोस्टल कंट्री है। यहाँ मीट से ज्यादा मछली खाने के लोग शौकीन हैं। जिन लोगों को यहाँ खुद मछली बनाने का मन नहीं करता, उन लोगों के लिए जिबूती में कई फेमस रेस्टोरेंट्स भी हैं। अब सी फूड और फिश फूड का मजा लेने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? रेड सी तो वाटर एक्टिविटीज के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। खास बात यह है कि इस पूरे देश को महज 4 दिनों के अंदर घूमा जा सकता है और इसीलिए शायद हर साल करीब 73,000 टूरिस्ट जिबूती घूमने आते हैं। 2011 में जिबूती देश ने अपने यहाँ पोस्टल स्टैम्प्स के जरिए दुनिया के जाने माने सिंगर माइकल जैक्सन को खास तरह से ट्रिब्यूट दिया और उस दौरान यहाँ की सरकार ने अपने यहाँ की पोस्टल स्टैम्प्स पर
माइकल जैक्सन की तस्वीर भी छपाई। तो अब आपको बता देते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। जिबूती में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 7 दिन के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको जिबूती घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1,50,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों जिबूती की करेंसी है जिबूशन फ्रैंक, जिसकी वैल्यू है लगभग 0.42 भारतीय रुपीस के बराबर। तो दोस्तों ये था जिबूती, कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया इस देश की, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।